प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ब्लेस करता हूं और द रोज ऑफ शरोन गॉस्पेल कोर में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कहानी में हमने जाना था कि परमेश्वर पुनः अवसर देता है। ये बात हमने यूना नबी की कहानी से जानी कि परमेश्वर अपनी दया से एक और अवसर प्रदान करते हैं। तो आज की कहानी में हम जानेंगे कि परमेश्वर प्रोत्साहित करते हैं। तो चलिए, आज की कहानी में हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें किस तरह से प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर का एक नम्र दास था जिसका नाम था मूसा, जिसे हम पाते हैं मूसा की कहानी में। मूसा अपने इजरायली लोगों को बंधुआई से छुड़ाने के लिए जो कर सकता था वो सब कर चुका था। यहाँ तक कि उसने एक मिस्री की हत्या भी कर दी थी, लेकिन उससे काम नहीं बना, बल्कि उसे मिस्र देश छोड़कर भागना पड़ा और 40 वर्षों तक जंगल में अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने लोगों की दोहाई और कराहना सुनकर उतर आया और उन्हें छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए मूसा के पास जंगल में आया और एक जलती हुई जाड़ी जो भस्म नहीं हो रही थी उस आग में से मूसा को पुकारा और कहा, मैं तुझे उसी मिस्र में भेजना चाहता हूँ जो तेरे दिल की चाहत थी कि अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की, वो अब तेरे द्वारा ही पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन मूसा डर गया और कहने लगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं तो बोलने में हल्का हूँ, क्योंकि इतने वर्षों में वो भेड़ बकरी चराने के कारण उसकी आवाज़ ऐसी ही हो गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि जा, मैं तुझे मिस्र में यहोवा सा सामर्थ्य देकर भेजता हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देता, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को सामर्थ्य देकर प्रोत्साहित किया और अपने लोगों को आजाद करवाया। तो इस कहानी के द्वारा जो हमें सीख मिलती है वो यह है कि परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों को आशीष देने हेतु आपको प्रोत्साहित करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें उन अच्छी बातों के लिए जो परमेश्वर के लिए हम करते हैं। तो यहाँ जो मुख्य जो संदेश था वो यह था कि परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए। तो परमेश्वर में बने रहिए, प्रभु में विश्वास करें, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको और परिवार को आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस।